दोस्तों बारिश बहुत बढ़िया पड़ रही है, बिल्कुल हल्की हल्की। आप देखो ये, और मौसम बहुत अच्छा हो गया है यहाँ का। अभी जा रहे हैं नदी की तरफ। यहाँ जो है फार्म हाउस पर थोड़ी सी अननेसेसरी ग्रीनरी फैल गई है, उसको काटने के लिए बुलाया है। और साउंड सुनिए, आप देखिए क्या बढ़िया साउंड आ रहा है। ये देखो क्या बेहतरीन मौसम हो रहा है। बोलो तो सही सही है, सही है, रखो मैंने सही है। चलो भाई, अभी तो फिलहाल हम आ गए हैं यहाँ। ये देखो, और कल कितना बेहतरीन पानी था इसमें, नदी में। हाँ, ये सब यहाँ पानी था ये। अब फिलहाल पानी कम है, बारिश पड़ रही है, लेकिन ऊपर से पानी आएगा। हाँ, क्या रेत आई हुई है ये बह करके पानी में। ये देखो, ये सब क्या नज़ारा है। ये देखिए, ये देखो, कल दोस्तों यहाँ कितनी तेज़ पानी चल रहा था। मैंने वो बनाई थी जिसमें वो डॉगी कुत्ता वगैरह फंस गया था, वो काला कुत्ता देखो वहाँ पर है, वही कुत्ता ऐसे नहीं दिखेगा। ये वाला कुत्ता था वो जो फंस गया था कल। ये देखिए, ये सब जो पानी कल आया था, और पानी अभी भी थोड़ी बहुत देर में आएगा ज़रूर यहाँ, क्योंकि बारिश पड़ रही है। हाँ, मौसम में इस बार मज़ा आया है, मौसम में ज़बरदस्त मज़ा आया है भाई। अभी ये पानी जो है ये तकरीबन 4 गुना 6 गुना हो जाएगा। हाँ, बस ये थोड़ी बड़ी धीरे धीरे पानी जो है ऐसे ही बढ़ता रहेगा, एकदम पानी आता है। हाँ, पत्थर ही बहुत रहा है बैक के। ये दोस्तों सब पीछे जो है ये जिम कॉर्बेट का एरिया है, ये सब, ये जिम कॉर्बेट का आप देख रहे हैं, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये सब जिम कॉर्बेट का जंगल है ये, और उसी के किनारे पर है ये। ये जो पानी की आवाज़ आप सुन रहे हैं, ये धीरे धीरे इसी तरह जो है तेज़ होती चली जाएगी। ये देखिए, और ये यहीं पर, और इसमें सबसे एक अच्छी बात ये है कि रामनगर से 2 किलोमीटर दूरी पे एक यहाँ रिसोर्ट है बहुत शानदार, टेढ़ा गांव में, अरावत के नाम से, अरावत रिसोर्ट। अरावत रिसोर्ट, और बहुत बढ़िया स्विमिंग पूल बना हुआ है, लोकेशन बहुत शानदार, चीप एंड बेस्ट, और स्टाफ भी बड़ा कोऑपरेटिव है। हाँ, तो हम तो उसी में जाने की कोशिश करते हैं हर बार। हेलो, मैं आपको एक बार यहाँ से 360 डिग्री व्यूज़ दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये देखिए, ये सब दोस्तों कॉर्बेट का एरिया है ये, और ये जो रास्ता है, ये जो पुल है, बहुत से लोग इसको पहचानते होंगे, ये वो पुल है जो ढेला गेट और झिरना गेट की तरफ जाता है, ये वो ब्रिज है, फ्लाईओवर, और यहीं से जो है सफारी होती है थोड़ा सा आगे जा करके, बस वहीं ये ब्रिज है ये। और ये देखिएगा, ये मैंने आपको इसका 360 डिग्री व्यूज़ दिखा दिया है। ये बड़ी अच्छी लोकेशन है, बड़ा अच्छा यहाँ का नज़ारा, और बड़े अच्छे यहाँ के मंज़र रहते हैं।
ये, और बड़ा हम यहाँ आकर के रिलैक्स फील करते हैं, सब बहुत बढ़िया। ये धीरे धीरे, कल आप देख रहे थे जो पानी था वो बहुत तेज़ था, अभी धीरे धीरे यहाँ जो है पानी का वही सब मंज़र हो जाएगा कल वाला। और हम यहाँ अक्सर जो है इन पर जो है स्पॉटेड डियर, सांबर डियर, सब के पैरों के निशानियाँ देखते रहते हैं। हिरन भी देखे हैं हमने यहाँ पर, और लेपर्ड भी देखा है, टाइगर भी देखा है। इवन कि उस दिन जो है वो लास्ट ईयर जिस दिन वर्ल्ड टाइगर्स डे था, एक यहाँ टाइग्रेस भी, टाइग्रेस की भी डेथ बॉडी यहाँ मिली थी, मैंने उसका शॉट डाला था वीडियो में। ये देखिएगा, ये वो नज़ारे हैं, ये नज़ारे हैं दोस्तों, ये नज़ारे हैं। आपको जो है बारिश पड़ रही है, हम भीग रहे हैं, लेकिन क्या बेहतरीन मौसम कहें, क्या बेहतरीन मौसम कहें। मैं तो कहता हूँ कि इसको जो है इसका आनंद अलग है, इसका जो है आनंद अलग है, एकदम अलग एक्सपीरियंस। और लास्ट टाइम जब हम यहाँ आए थे 16 अगस्त को, तो इसी रिवर में हम नहाए भी थे, अगर वो वीडियो आपने YouTube पर मेरी देखी हो तो हम यहीं पर नहा भी रहे थे। वो देखिए वो पानी चल रहा है, क्या स्पीड से पानी चल रहा है वहाँ पर, वहाँ थोड़ा सा गहरा होगा, पत्थर होंगे। तुम तो अभी से शर्मा गए, मेरा क्या होगा। और ये निक्के भाई गाना गा रहे हैं भाई, तो जरा अब तो जो भी होगा होगा ही, अब क्या कर सकते हैं। ऐसे ना आए भरा कीजिए। और ये जो जंगल आपको दिख रहा है ना दोस्तों सामने, इस जंगल में हमेशा मतलब ये है कि लेपर्ड की साइटिंग तो मतलब ये है कि कॉमन सी बात है, एलिफेंट आ जाता है यहाँ। जब एलिफेंट आता है तो गांव वालों का जो शोर होता है ना रात को, ज़्यादातर रात में आता है एलिफेंट, आ जाता है पानी वानी पीने के लिए, यहाँ एलिफेंट आ जाता है, टाइगर आ जाता है, लेपर्ड आ जाता है। तो जब गांव वाले पटाखे और कनस्तर और तसले बजा करके शोर मचा करके उसको भगाने का प्रयास करते हैं, वाकई क्या गजब सीन होता है। एकदम मस्त नज़ारा है, एकदम मस्त नज़ारा। हाँ नज़ारा जबरदस्त है भाई, बेहतरीन। हाँ वहाँ देखिए पानी उस साइड थोड़ा सा तेज चल रहा है, अभी थोड़ा सा ये मटमैला है, लेकिन ये जैसे आज बारिश रुकेगी, अभी तो पानी बहुत तेज आएगा क्योंकि बारिश पड़ रही है, अभी थोड़ी बहुत देर में यहाँ पानी बहुत धुआंधार स्पीड से पानी आएगा, जैसे वो वीडियो मैंने डाली हुई है YouTube पर, अपलोड की हुई है, उसी स्पीड से पानी आएगा, और उसके बाद फिर ये बिल्कुल साफ पानी हो जाएगा एकदम, एक दिन के बाद। ये विलेजर्स यहाँ पर सामने जो है ये विलेज दिख रहा है दोस्तों, ये देखिए ये वो क्या बात, कैसे पत्थर उठाए खड़े हो भाई, नहीं सर नहीं बोलना भाई, ना 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 बिल्कुल भी नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है।
ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इतना मौका कब देगा वो? अरे मैं मार दूं तुम्हें पता चले। हाँ इतना मौका कब देगा? हाँ आइए दोस्तों चलते हैं अपना वापस। हैं ये देखिए ये कितना पत्थर बारिश में पानी में बह कर के आता है, ये क्या बात है भाई। अच्छा नेचर अपने आप को कैसे चेंज कर लेता है कि हम और आप अनुमान भी नहीं लगा सकते, ये नियम है प्रकृति का, लेकिन इसका जो चेंज करने का सिस्टम है वो वाकई आपको अचंभित तो करता ही है, साथ ही साथ आपको बताता है कि हर चीज़ के बदलने का एक वक्त होता है और वक्त के साथ हर चीज़ अपने आप को वक्त के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेती है। यही नेचर का एक परिवर्तन है। ये जो रिवर आप उस साइड देख रहे हैं, ये रिवर ए इस साइड बहती थी, इस साइड यहाँ यहाँ बहती थी, ए यहाँ यहाँ, लेकिन अब इसने अपने आप को उस साइड कर लिया है, बिल्कुल उधर। देखिए ये उधर ले गई है अपने आप को। तेज़ होता है पानी तो ये ऊपर तक इधर आ जाती है, लेकिन इसका पानी इतना तेज़ नहीं होता, मतलब इतना गहरा नहीं होता कि उसमें कोई किसी को नुकसान हो जाए। और ये देखिए दोस्तों, ये मुझे लग रहा है, नहीं ये तो खैर कैटल्स के फुटप्रिंट हैं, मुझे लग रहा था कि शायद किसी सांबर डियर वगैरह के हैं। रेत देखिए कितना ख़तरनाक, मतलब कितना साफ सुथरा और कितना बेहतरीन रेत यहाँ आया हुआ है भाई, जवाब नहीं है। तो यही है, हम नेचर को या पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए कुछ कर नहीं सकते तो उसे नुकसान पहुंचाने का भी प्रयत्न ना करें, उसकी हिफाजत करें, उसकी सुरक्षा करें, यही बेहतर है। ठीक है दोस्तों, अभी फ़िलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं और मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए जय हिंद जय भारत।